दूसरे चरण के 5 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में इस बार जो प्रत्याशी मैदान में है उनमें से कई जीत के छक्के लगाने के फिराक में हैं, तो कई बार किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवार भी मैदान में उतर जाते हैं। इस बार बिहार में दूसरे चरण के मतदान के दौरान 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। वोटिंग जो है वो 26 अप्रैल को है। वोटिंग के लिए दोनों ही गठबंधन के नेताओं ने पिछले कई दिनों से लगातार अपने अपने क्षेत्र में चुनावी जनसंपर्क अभियान चलाकर चुनाव प्रचार करके खूब पसीने बहाए। अब डोर टू डोर सभी दस्तक दे रहे हैं। हालांकि वोटिंग के पहले और वोटिंग के अंतिम क्षण तक जो उम्मीदवार होंगे वो चाहेंगे कि उनके पक्ष में लोग मतदान करें, लिहाजा सभी लोग एक दूसरे के टच में रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि प्रथम चरण के जिन 5 सीटों पर 26 अप्रैल को सुबह से वोटिंग होनी है उसमें सबसे हॉट सीट और सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है वो पूर्णिया लोकसभा की सीट बनी हुई है। पूर्णिया सीमांचल के 3 लोकसभा की सीट जो है वो दूसरे चरण के वोटिंग वाले इलाके में आती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिया है, पूर्णिया के बाद किशनगंज और कटिहार जहां वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में वोटिंग जहां होनी है वहां पूर्णिया के अलावा कटिहार और किशनगंज भी है, बांका और भागलपुर। हालांकि इन 5 सीटों में किशनगंज और कटिहार भले ही चर्चा में नहीं रहा हो, लेकिन भागलपुर और बांका में जिस तरीके से चुनावी जनसंपर्क अभियान पूर्णिया के बाद देखने को मिली है वो सबसे अलग है। आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए ऐसा लग रहा था कि बिहार में 5 लोकसभा सीट पर वोटिंग नहीं बल्कि केवल एक ही लोकसभा सीट पर वोटिंग है और वो सीट है पूर्णिया। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के अलावा एनडीए गठबंधन के नेता पूर्णिया में कैंप किए हुए थे वो बता रहा था कि पूर्णिया सीट उनके लिए कितना अहम है। तेजस्वी यादव विपक्ष के तरफ से किलाबंदी और मोर्चाबंदी के साथ खुद पूर्णिया में ठहरे हुए थे। एनडीए के तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कई सारे विधायक और बिहार सरकार में मंत्री कैंप किए हुए हैं। एक निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है और दोनों ही गठबंधन के लोगों के बीच उस उम्मीदवार को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। वहीं बांका में और भागलपुर में बांका लोकसभा सीट पर भी चर्चे खूब हो रहे हैं। हालांकि लड़ाई जब 26 अप्रैल को होगी तब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वोटरों का मिजाज किस तरफ रुख करता है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि भागलपुर में चुनाव जीतने के लिए चिलचिलाती धूप में अपनी बॉलीवुड की स्टार बेटी को प्रत्याशी मैदान में उतार कर उनके सहारे वोट मांगने की भी कोशिश कर चुके हैं। अब देखना है कि इन सीटों पर क्या सच में लोगों का रुझान, जो पसीने बहाने वाले जो प्रत्याशी है उनके प्रति झुकता है, या फिर से जो रिकॉर्ड है एनडीए क्या वो बरकरार रहता है। क्योंकि लोकसभा के इन 5 सीटों में से एक सीट को छोड़ दें तो 4 सीट पर अभी भी एनडीए गठबंधन का कब्जा है। लिहाजा एनडीए की कोशिश होगी कि अब 5 में 5 सीटें उनके कब्जे में आए, तो दूसरे तरफ महागठबंधन की कोशिश ये होगी कि वो इन 5 सीटों पर सेंधमारी करके अपने लिए कुछ सीटें निकाल लें। हालांकि कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है और जोर आजमाइश में इलेक्शन कमीशन भी निर्णायक साबित होते हुए दिख रहा है। दूसरे चरण के वोटिंग से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ने अलग अलग लोकसभा सीट पर वोटिंग के समय में भी बदलाव कर दिया है। इधर मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है। जिन 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है वहाँ का तापमान काफ़ी हाई रहेगा, यानी लू और तेज गर्मी के साथ उमस मतदाताओं को चुभेगा। लेकिन अब वोटरों का मिजाज और मौसम का मिजाज दोनों 26 अप्रैल को मतदान केंद्र पर किस तरह बदलता है जब नतीजे 4 जून को सामने आएंगे तब मालूम पड़ेगा। लेकिन वोटरों का मिजाज ये तय करेगा कि 5 लोकसभा सीटों के अगले 5 सालों तक के लिए चुने जाने वाला सांसद कौन होगा, जिनके सहारे वो विकास की उम्मीदें देख सकते हैं।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।